इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी और आपको खुद पर विश्वास होगा। सुकरात कहते हैं कि आजाद होने का साहस करो, जहां तुम्हारे विचार जाते हैं वहां पहुंचने का साहस करो, उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। जो व्यक्ति अपने निजी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है और आलसी जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए नरक में भी कोई स्थान नहीं है। क्या आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है? हो सकता है कि आप कुछ अच्छा होने का इंतजार करते करते थक गए हों और निराश हो गए हों। प्रतीक्षा समाप्त हुई। साहसी आत्मविश्वासी मानसिकता रखने का अभ्यास करें, अपने लिए अवसर बनाएं और सीखें कि आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। झिझकना बंद करो और कार्रवाई करो। क्या ऐसा कुछ है जिसे आप करना चाहते हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे हैं? चाहे वह किसी परिचित को ड्रिंक के लिए आमंत्रित करना हो, लंबे समय की गलत फहमी के बाद किसी प्रियजन से माफी मांगना हो, या किसी सहकर्मी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना हो, अभिनय के बारे में सोचना बंद करें और वास्तव में कुछ करें। कुछ नया करने की दिशा में पहला छोटा कदम उठाने से आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा मिल सकती है। निर्भीकता झिझक के विपरीत है। जब भी आप दूसरों के साथ बातचीत करने में या अपने लिए निर्णय लेने में झिझक महसूस करें, तो अपने अहंकार को निगलना सीखें और पहला कदम उठाएं। अप्रत्याशित करो। साहसी लोग नई चीजों को आजमाने से डरते नहीं हैं, और उनके आसपास रहना इतना रोमांचक होने का एक कारण यह है कि वे आपको अनुमान लगाते रहते हैं। यह आपके लिए कुछ नया हो सकता है, जैसे साल्सा नृत्य या वाटर स्की सीखना। आप जो भी करें, सुनिश्चित करें कि वह अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं। कुछ नया और अप्रत्याशित करने से आप असुरक्षित या भयभीत हो सकते हैं। उन भावनाओं को मत दो, इसके बजाय कौशल की नवीनता को स्वीकार करें और स्वयं बनने से न डरें। पुनः खोजें कि आप कौन हैं। अंततः साहस का संबंध अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने फिर उनसे आगे बढ़ने से है। अपनी समस्याओं या असफलताओं को छिपाने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें अपना हिस्सा मानकर स्वीकार करें। यह आपको अपनी विशिष्टता की सराहना करते हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की अनुमति देगा। यदि आप करने के लिए सही चीज के बारे में चिंता करना बंद कर दें, तो उन चीजों को ढूंढना आसान हो जाएगा जिनके बारे में आप भावुक हैं। इसके बजाय अपने आप को इस बारे में ईमानदार और जिज्ञासु होने की अनुमति दें कि आप क्या करते हैं और क्या आनंद नहीं लेते। यह समझें कि आप कौन हैं, यह जानने के लिए आपको यादृच्छिक अस्वाभाविक चीजें करने की जरूरत नहीं है। केवल लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए कोई भी अस्वाभाविक परिवर्तन करने से बचें। खुद के साथ ईमानदार हो। दिखावा करो कि तुम पहले से ही निर्भीक हो। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्थान बदलना पड़े जिसकी आप उनकी मुखरता और निर्भीकता के लिए प्रशंसा करते हैं, तो वे आपके स्थान पर क्या करेंगे? यदि आप पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो साहसी है, तो कल्पना करें कि वह कैसा व्यवहार करेगा। आपकी साहसिक प्रेरणा का वास्तविक होना जरूरी नहीं है। आप किसी फिल्म या किताब के किसी ऐसे पात्र के बारे में भी सोच सकते हैं जो साहसी और साहसी हो, फिर अपने जीवन में उनकी निर्भीकता की कल्पना करें। न कहने को तैयार रहें। अगर कोई आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहे जो आप नहीं करना चाहते, तो मना कर दें। नहीं कहने से आपकी वैयक्तिकता फिर से मजबूत हो जाएगी और आपको साहसी महसूस करने में मदद मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आप बाहर जाने और जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। ऐसा महसूस न करें कि आपको कोई बहाना या स्पष्टीकरण बनाना है। लोगों को आपकी ईमानदारी और निर्भीकता का सम्मान करना सीखना होगा और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। यह समझें कि यदि आप कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपको उसका पालन करना चाहिए। आपके आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी, साथ ही अन्य लोगों का आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। आपको जो चाहिए उसे मांगे। अपने प्रयासों के लिए पहचाने जाने की प्रतीक्षा करने या किसी से आपकी आवश्यकताओं पर विचार करने की अपेक्षा करने के बजाय आगे बढ़ें और पूछें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वही मांगना चाहिए जो आप चाहते हैं या आक्रामक होना चाहिए। इसके बजाय आत्मविश्वास और चतुराई से अपने शब्दों का चयन करें। साहसी होने को आक्रामक होने के साथ भ्रमित न करें। आक्रामकता में अक्सर अपने दृष्टिकोण या कार्यों को दूसरों पर थोपना शामिल होता है। निर्भीकता का आपके आसपास के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यह आपके डर पर काबू पाने और कार्रवाई करने के बारे में है। अपनी योजनाओं पर अमल करें। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आप कुछ करने जा रहे हैं, आपको वास्तव में यह करना होगा, अन्यथा लोग आपको बेकार समझेंगे।
जब आपकी बात अच्छी होती है और आप उस पर अमल करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपको एक साहसी, विश्वसनीय, जटिल व्यक्ति के रूप में देखेंगे। यदि आप कुछ ऐसा करने के लिए सहमत हुए हैं जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते हैं, तो आपको शायद केवल इसलिए उस पर अमल करना चाहिए क्योंकि आपने अपना वचन दे दिया है। अगली बार नहीं कहना याद रखें और अपनी बात पर जोर दें। दो विकल्प पेश करें। आप जो चाहते हैं उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका किसी दी गई समस्या के समाधानों की संख्या को सरल बनाना है। यह सुनिश्चित करता है कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। भले ही किसी समस्या के लिए असीमित संख्या में संभावनाएं हों, उन्हें उन समाधानों तक सीमित रखें जो आपके लिए काम करते हैं। इससे समाधान में आने वाली परेशानी कम हो जाएगी और यह सुनिश्चित हो जाएगा कि परिणाम वही होगा जो आप चाहते हैं। बातचीत करें। वाक्यांश, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? जिस व्यक्ति के साथ आप बातचीत कर रहे हैं उस पर जिम्मेदारी का भार वापस डालने का यह एक आसान और शक्तिशाली तरीका है। भले ही प्रारंभिक उत्तर नहीं हो, उन्हें अपना मन बदलने का अवसर देने के लिए अवसर की खिड़की यथासंभव लंबे समय तक खुली रखें। बातचीत शुरू करने से पहले प्रतिप्रस्ताव की योजना बनाएं। यदि आपको लगता है कि आपका बॉस छुट्टी के आपके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा क्योंकि आपकी जगह भरने वाला कोई नहीं है, तो कहें कि आप वापस आने पर एक शिफ्ट दोगुनी कर देंगे या जब आपके पास खाली समय होगा तो आप दूर से ही काम पूरा कर लेंगे। प्रश्न पूछें। ऐसी स्थिति में गलती करने में कोई साहस की बात नहीं है जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं और सलाह नहीं सुन रहे हैं। यदि आप किसी असाइनमेंट के बारे में या काम या स्कूल में किसी विषय के बारे में अस्पष्ट हैं, तो यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहना कि आप भ्रमित हैं और स्पष्टीकरण मांगना साहस है। सहायता प्राप्त करने का साहसिक कदम उठाने से न डरें। यदि कोई मददगार नहीं है तो दूसरा व्यक्ति ढूंढें। उत्तर खोजने की यह दृढ़ता आपकी ओर से साहस को दर्शाती है। जोखिम उठाएं और अवसर बनाएं। लापरवाह होने और जोखिम स्वीकार करने के बीच अंतर है। लापरवाह लोग जोखिम स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। दूसरी ओर एक साहसी व्यक्ति ने जोखिमों के बारे में जान लिया है और किसी भी तरह निर्णय लेने का फैसला किया है। अगर चीजें काम नहीं करती हैं तो परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार और तैयार है। निष्क्रियता या झिझक अक्सर एक प्रकार का जोखिम होता है क्योंकि आप एक अवसर चूकने का जोखिम उठा रहे हैं। हालांकि इससे बचना एक जोखिम है। आपका लक्ष्य आपकी सफलता का सर्वोत्तम अवसर बनाना है, न कि अवसर की खिड़की को गंवाना। जब आपने कार्य करने का निर्णय ले लिया है तो उसे बिना किसी डर के करें। किसी भी परिणाम को स्वीकार करें। हालांकि कुछ नया करने या जो आप चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करने में शक्ति है, लेकिन यह भी संभावना है कि आप असफल हो सकते हैं। असफलता को गले लगाओ। यह सफलता के विपरीत नहीं है, यह एक आवश्यक घटक है। विफलता के जोखिम के बिना आपके पास सफलता का अवसर नहीं है। अस्वीकृति के बारे में चिंता मत करो। इसके लिए परिणाम से कुछ भावनात्मक अलगाव की आवश्यकता होती है। किसी अस्वीकृति को अपने आत्मविश्वास और साहसी होने की क्षमता को नष्ट न करने दें। स्थिति को स्वीकार करें। पहले यह स्वीकार करें कि आपकी वर्तमान स्थिति की पहचान की जांच करें कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल पर्याप्त ज्ञान है। इससे आप विचारशीलता और निर्णय करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। वास्तविकता को स्वीकार करें। परिणाम की वास्तविकता को स्वीकार करें, चाहे वह अनुप्रयुक्त लगे या नहीं। यह आपकी आंखों को खोलता है।